अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मीरा भाईंदर, वसई मीरा और पुलिस आयुक्तालय की हद में अवैध पार्किंग करने वाले सावधान, होने वाली है बड़ी कार्यवाही। मीरा भाईंदर, वसई मीरा और पुलिस आयुक्तालय की सीमा में नो पार्किंग जोन और सड़क के एक तरफ पार्किंग के लिए आयुक्तालय द्वारा यातायात प्रतिबंध सूचना अधिसूचना पारित की गई है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय प्रकाश गायकवाड़ ने पार्किंग नीति के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि मीरा भाईंदर में कुल 57 और वसई विरार में 272 जगह पार्किंग के लिए निश्चित की गई है। यातायात नीति 15 दिनों के लिए प्रायोजित आधार पर चलाई जाएगी और इस अवधि के दौरान यदि कोई सुझाव प्राप्त होता है तो उसमें बदलाव किया जाएगा। आयुक्तालय के माध्यम से कुल 9 स्थानों को वन वे रूट घोषित किया गया है। इसमें प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। भारी वाहनों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक कर दिया गया है। उन्हें वैकल्पिक मार्ग भी दिए गए हैं। बैंक, मेडिकल के बाहर ट्रैफिक पुलिस वाहन उठाने से पहले 5 से 10 मिनट का समय देकर वाहन उठाएगी। चौराहों के मोड़ों पर पार्किंग वर्जित है। यातायात की भीड़ से बचने के लिए आंतरिक सड़कों पर नो पार्किंग नीति भी लागू की गई है। जहां सड़क चौड़ी है वहां सड़क के दोनों ओर पार्किंग की अनुमति है। डीमार्ट मॉल में नो पार्किंग लागू की गई है, वहां कार्यवाही की जाएगी। वाहनों के लिए पार्किंग उपलब्ध कराना मॉल मालिकों की जिम्मेदारी रहेगी। बीते दिनों मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत कैमरों से निगरानी कर 640 वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। ऐसी जानकारी मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के उपायुक्त प्रकाश गायकवाड़ ने दी। वीडियो में आगे सुनिए प्रकाश गायकवाड़ का क्या कुछ कहना है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये मालूम पड़ सके कि वसई विरार मीरा भाईंदर में कहां पार्किंग करना है और कहां नहीं करना है। ये सूचना काफी अहम सूचना है, लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। सर, आज आपने पत्रकार परिषद में क्या आपके मुद्दे थे, पत्रकार परिषद में क्या कहना चाहिए? मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय में जुरिडिक्शन में पार्किंग नो पार्किंग का कोई धोरण नहीं था इसके पहले। तो दोनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मीरा भाईंदर और वसई विरार और पुलिस संयुक्त सर्वे किया गया। वो सर्वे में हमने 272 नए पार्किंग नो पार्किंग के पॉइंट्स निकाले हैं और 9 वन वे के पॉइंट्स निकाले हैं। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन अगले 15 दिन में शुरू होगा। ये प्रायोगिक रहेगा, बाद में लोगों के और जनप्रतिनिधि है उनके कुछ सजेशन रहेंगे तो उसमें से कुछ चेंज हम कर सकते हैं। आपसे लोग अगर सजेशन देना चाहे तो किस तरह से आपसे संपर्क करें, वो क्या तरीका होगा? सजेशंस के लिए हमारा 3 परिमंडल है, मीरा भाईंदर वसई विरार और ACP ऑफिस है, DCP ऑफिस है। तो यहाँ के डायरेक्ट निवेदन हमको दे सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। डेट कब से कब? आज से 15 दिन। व्हाट्सएप का नंबर भी तो दीजिए। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। सर, वसई विरार की बात की जाए तो वसई विरार में बहुतायत इलीगल रिक्शा चलाते हैं, उस पर ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से कार्यवाही करने वाली है? और जैसा आपने कहा कि ट्रैफिक विभाग में मैन पावर की कमी होने के चलते कई बार ऐसा हो जाता है कि नो पार्किंग एरिया में गाड़ियां पार्क हो जाती है और वहां पर कार्यवाही हो जाती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, विरारपुर में मंदेलपाड़ा एक ऐसा चर्चित इलाका है जहां पर अक्सर विवादों में वो इलाका रहा है और हमेशा वहां पर ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठता रहा है। वहां पर नो पार्किंग जोन अभी जल्दी लगाने के बाद भी वहां पर कार्यवाही की गई। इस मुद्दे को आमदार साहब ने भी उठाया था, उसके बाद कार्यवाही के बाद में वहां पर फिर से दोबारा पार्किंग की जाने लगी है बसों की। 100 मीटर दूर पर ही वो अवैध तरीके से फिर से पार्किंग की गई थी मंदेलपाड़ा से हटा के 90 फीट इलाके में, लेकिन अब दोबारा से वहीं पर पार्किंग की जाने लगी। वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एरिया है वहां तक वहां अभी तक कोई धोरण नहीं था पार्किंग नो पार्किंग का, वहां का नोटिफिकेशन भी नहीं था, फिर भी हमने वहां पे कार्रवाई की थी। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोल के वहां पे बोर्ड लगाए जाएंगे नो पार्किंग के, और फिर भी वहां पे कोई पार्किंग करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, सड़क के दोनों तरफ फेरी वालों ने कब्जा बना के रखा है, तो उन पर किस तरह से कार्रवाई की, उनकी वजह से ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है? फेरी वालों के बारे में भी हमने हमारा पुलिस का सर्वे चल रहा है कि कहाँ पे तकलीफ होती है फेरी वालों से और कहाँ पे अतिक्रमण है पक्के कच्चे, तो उसके बारे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके वो निकालेंगे। और एक बात है कि फेरी वाला ना फेरी वाला क्षेत्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने घोषित करना चाहिए। मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है,
वसई विरार ने अभी तक किया नहीं है, तो उनको भी हमने पत्र व्यवहार उस बारे में किया है। रिक्शा स्टैंड के बारे में तो इसके पहले स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल गया है, वहां पे रिक्शा स्टैंड जो है गवर्नमेंट मंजूर करती है, वो अभी प्रोसीजर में है। और जो इलीगल है, इलीगल रिक्शा स्टैंड के बारे में भी हम जो स्थानिक लोग है, जो रिक्शा चालक है, उनके साथ मिलके वहाँ का प्रॉब्लम कैसे कम कर सकते हैं वो देखेंगे। सर, आइंदा स्टेशन के बाद शाम के वक्त ज्यादा ट्रैफिक होती है सर, डिमांड डेली हो जाए चाहे जिसी करके पीछे हो जाए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कोई नहीं रहता, क्योंकि एवरी डे का ये कहना रोज का ही है। हमारे पास मैन पावर की कमी है, जो जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन रहता है वहाँ पे ट्रैफिक के पॉइंट्स लगाए हैं, कुछ पेट्रोलिंग रहती है वहाँ पे जाके लोग हमारे कवर करते हैं, लेकिन हर पॉइंट पे हम लोग नहीं दे सकते, अभी परिस्थिति वैसी नहीं है। 1000 लोगों की अभी पुलिस भर्ती हो गई है, जब नया मैन पावर आएगा तो और मैन पावर बढ़ा के दे सकते हैं। सर, आप क्या आह्वान करना चाहेंगे आम आदमी को? मेरा तो कहना ये है कि जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगाया है वहाँ पे गाड़ी ना लगाए, क्योंकि उसका फाइन बहुत ज्यादा है और लोगों को भी तकलीफ होती है। तो लोगों ने पहले तो ये सीखना चाहिए कि हमने रूल्स का पालन करना चाहिए, वो आपके लिए है पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि अगर पार्किंग नो पार्किंग की जगह पे लगाई भी है, तो हमने मेरे तीनों इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शन दिए है कि अनाउंसमेंट 100% होना चाहिए और अनाउंसमेंट के बाद ही गाड़ी उठानी चाहिए। सर, हैवी व्हीकल जो 5 से 8 का टाइमिंग रखा है, आपको नहीं लगता कि कम टाइम रखा है? क्योंकि वो 8 से 10 के बीच में भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, तो हैवी व्हीकल से आएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उसको टाइम बढ़ाना चाहिए। नहीं, उसके बारे में भी हम सोचेंगे, अगर कुछ तकलीफ आती है तो टाइम बढ़ा सकते हैं। एंट्री कहाँ पे आप लोग, यहीं पे रुकेंगे मतलब हाईवे पे रुकेंगे या कहाँ पे, मतलब उनका क्या रखेंगे, फाउंडेशन कैसे होगा? नहीं, पहले से अभी सिस्टम सेट है, उनको भी मालूम है ये टाइम पे अंदर नहीं जाना है, तो जहाँ से बंदी है उसके बाहर ही रोकते हो। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।